हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और टाइम हो गया सुबह के 11:30, और ये टाइम हो गया अपने एक टूर पे जाने का। वो टूर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पता क्या है, हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह पे ना, जहाँ से हम लेके आ रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़। चल हो जा रेडी, हो जा। गिलास एक वाले नहीं ना, साथ ले जाना गिलास भी है तो ले जा फिर। बोतल का क्या करना है? तो ले आ बोतल, ले जाएंगे साथ में। इतनी गर्मी थोड़ी है कि पानी की जरूरत पड़ेगी। होगी पानी की बोतल तैयार? दे दे। चलो जी, मुड़ा तेरी। थैंक यू। ये पहाड़ी मुड़ा है। वाह, इस मुड़े को खा के मैं धन्य हो गया। एकदम करारा, नमकीन भी। जब भी मैं इस एरिया में आता हूँ ना, तो मेरे को एक चीज़ ना यहाँ बहुत अच्छी लगती है। पता क्या लगती है? ज़मीन दिख रही है हमारे गांव की, ज़मीन जो पीछे, ये मेरे को बड़ी मस्त लगती है ना। कैसे खेत, सीढ़ीदार खेत, एक के नीचे दूसरा खेत। इस जगह से ये नज़ारा दिखता है भाई, पड़ोसी गांव नीचे सारे के सारे, ये नीचे और आसपास का एरिया पुरमिला भी इस व्यू को एंजॉय कर रही है, वो भी बिना बोले। मौसम बन तो रहा है बारिश का। एक बादल भाई साहब वहाँ भी आ रहे पार, और एक बादल उधर भी थोड़े से। हे भगवान, बहुत सारे बादल इकट्ठे कर दे, फिर बारिश हो जाएगी इस एरिया में। होनी चाहिए बारिश, क्या बोलते हैं आप? इतने दिन से बारिश नहीं हो रही, कैसा लग रहा है आपको? बेकार लग रहा है। क्यों? इतनी बढ़िया धूप लगी, अगर बारिश होगी फिर तो कहाँ लगेगी धूप, तब कहाँ सकेगी धूप। पेड़ किस चीज का पेड़ है ये? लाल लाल से लग रहे इसमें फूल से, शिमल। प्रोमला ने बताया कि इसको शिमल बोलते हैं, है ना। ये देखो, इसको बेचारे को मोड़ मार के ना ऐसा कर दिया, अब तोड़ मरोड़ गए। इसमें कौन सा साइन था पता ही नहीं है। हमारी पहाड़ी बस भी आ गई पूरे से। हेलो जी, तो हम पहुँच ही गए यहाँ पे ना, जहाँ हमने काम करना है। अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं आगे की कार्रवाई, जो भी कुछ रहेगी हमारी। हमने पता क्या करना है यहाँ पे, ये जो पर्ट देख रहे हैं ना, ये पेड़ सारे के सारे, ये जो पेड़ मेरे आस पड़ोस में इधर ये वाले, इसकी टहनियाँ निकालनी है हमारे को। एक पैग मेरे को भी दे दे, चीज तो नहीं लागे हेरी पिंग वो पाने ता देखे। राजा वगैरह जब भी लड़ाई पे जाते थे ना, तो ऐसे बांधते थे अपने ना हथियार वगैरह यहाँ डालते थे, जैसे मैंने डाला था यहाँ पर रात। मेरी भी यही है, मेरी भी तो लड़ाई ही है। मैंने भी इस पेड़ में चढ़ना है पीछे वाला। मैंने इस पेड़ में चढ़ने की कोशिश करनी है अभी,
मतलब डर तो लग रहा है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। लंबाई इसकी बहुत ज़्यादा है। हो जाना वो आ जा भाई। प्रोमिला ने भी काफी हिम्मत मारी ना। वो तो फेंकता है। हाँ नहीं से फेंक दे यहीं से। ये निकाल लेता हूँ ये वाले और थोड़े से ये। ओए ये तो रहने दे बस ये यहाँ निकाला मैं थोड़े से ये तो रहने दे वो। ये तो बहुत बारीक है यार। बहुत हो गया भैया ना कट नहीं गिर भे बहुत हो गई इतनी है लगा लूँ ये टेनी लाता हूँ नीचे फिर जो काट रखी ये रहने दे अभी और काटेंगे थोड़ी सी ना बस तू ये यही वाली काट थोड़ी थोड़ी है ना ले भाई ये भी काम आएगा हमारा लगभग लगभग संपन्न। और अब हमारा अगला काम है जो टेनियाँ काट रखी ना इनको सही से टाई अप करना। बस प्रोमिला मेरा वेट करी नीचे। ओए काट ली वेट कर रही है। टेंटने टेंटने गड्डी वाले भैया हमारा बिछा ले जा हमारे घर आ जा। तुम लक्का काट वाह जता के तब अल्लाह जी भाजी ऐसी ऐसी टेने भी काट रखे हमने जिसमें इतने सारे ये लगे हुए हरे का आप देख के चियोक चियोक टू क्या होते इस पेड़ क्या होते ये तो बीज होते ये बहुत सारे लगे हुए बीज ही बीज भाई साफ दिख रही है ना मस्त दिख रही है। इसका यूज करेंगे कुछ ना कुछ। भाई अपना तो हो गया गाढ़ा रेडी जितने मैंने लगाने थे टेने उतनी लग चुकी है। अब बाकी जो बच्ची है ना वो प्रमला लगा रही है अपने गाढ़े में सेट कर रही है सही से। ऊपर से ही फेंक दिया था क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है ना पर मेरा तो आ रहा है आराम से भरी उतर रही ऊपर से ना बहुत टफ है रहा ये रोड पे आने के लिए यहाँ पे वो दिया था मेरे को दोबारा लगाना पड़ेगा ये गाड़ा यार। अरे नहीं नहीं दोबारा करना पड़ेगा सेट ही। A few moments later अभी भी हवा हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है खूब चल रही है हवा तेजी से। अरे क्या बादल तो आ रहा है भाई अब कुछ हो जाए कुछ चमत्कार एक दो दिन में बारिश हो जाए तो बढ़िया था आराम हो गया। अब चले करनी तो नहीं अल्प उठा लेगी
घर की अंधेरी गली से निकलते हुए बाहर एंड वेलकम बैक टू होम। और यहाँ पे माता जी कर रही है सिलाई का काम। ओए टबी देख 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 टांगे कैसे कर रहा है। माता जी हमने कुछ ला रखा है यहाँ पे, देख रही चेक टू मुंडी खेत के फोकणो गए ना। तो क्या इसका कोई काम आ सकता है, किस काम आ सकती है? इसके अंदर होते बीज ले वे, मेरी ओर से तेल गिफ्ट है, ये खाने के लिए होता है नाश्ता के साथ। खेलेगी इंडिया कैसे? पंखुड़ी ऐसा निकालनी पड़ती है। बस मैं कर रहा हूँ यहीं पे एंड। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा तो वीडियो को एक बार लाइक मार दीजिए। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले ब्लॉग में करेंगे आपसे मुलाकात, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।